हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रोमन रिक्स ने रिवील कर दिया है कि जब WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया 38 के बाद यूनिफाई हो जाएंगे तो उस न्यू टाइटल का क्या नाम होगा। और सेथ रॉलिंग्स ने मैसेज दिखाया है फैंस को सोशल मीडिया पर, जहां WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन ने सेथ को उनके ऑफिस में आने के लिए बोला है और बॉबी लैशली भी रिटर्न आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ में। और आने वाले रॉ के लिए WWE ने बहुत सारे मैचेस और सेगमेंट्स अनाउंस कर दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब ब्रॉक लेसनर चेयर लेकर आए और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स पे अटैक कर दिया था, तब रोमन ने बैकस्टेज में जाकर ये कहा कि वो रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर को हराएंगे और फिर रेसलमेनिया में ब्रॉक उन्हें एक्नॉलेज करेंगे एज द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और इसी तरह रोमन ने रिवील कर दिया है कि WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का नाम रेसलमेनिया 38 के बाद अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहेगा। वैसे आप लोग इन दोनों के मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रिक्स को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और WWE ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर और यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंस दोनों फेस टू फेस आ रहे हैं, तो चांसेस है कि रेसलमेनिया 38 से पहले आने वाले रॉ में रोमन और ब्रॉक का ब्रॉल फैंस को देखने मिल सकता है। और सेथ रॉलिंग्स ने WWE को धमकी दी थी कि अगर उन्हें रेसलमेनिया 38 में कोई मैच या फिर कोई सेगमेंट नहीं मिला तो वो आने वाला रॉ स्टार्ट ही नहीं होने देंगे। और अब सेथ ने उनके सोशल मीडिया पर उनकी खुद की फोटो हटाकर मिस्टर मैकमैन की फोटो लगा ली है। और सेथ ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट दिखाया है जहां विंस मैकमैन ने उन्हें मैसेज किया है और उस मैसेज में उन्होंने ये कहा है कि वो सेथ से मंडे सुबह 9 बजे मिलना चाहते हैं उनके ऑफिस में, यानी कि WWE हेडक्वार्टर्स में। और सेथ ने इस स्क्रीनशॉट के साथ हंसते हुए ये लिखा है कि ठीक है, वो आ रहे हैं मिलने। अब देखना ये कि सेथ को क्या ऑफर करते हैं मिस्टर मैकमैन, क्योंकि अगर सेथ को रेसलमेनिया 38 में कोई मैच या सेगमेंट नहीं मिला तो सेथ ने प्रॉमिस किया है कि वो आने वाला रॉ स्टार्ट ही नहीं होने देंगे। और बॉबी लैशली, जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2022 के बाद WWE में दिखाई नहीं दे रहे थे और न्यूज ये सुनने में आ रही थी कि लैशली रेसलमेनिया के बाद रिटर्न आएंगे, पर अब PW इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली रिटर्न आ रहे हैं। पर लैशली रेसलमेनिया से पहले वाले रॉ में आकर किसके साथ उनका मैच फिक्स करेंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि रॉ के टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो फेस करेंगे स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस द उसोस को, और द अल्फा अकेडमी की टीम टैग टीम मैच में फाइट करेंगे द स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम के साथ, और रे मिस्टीरियो का सिंगल्स मैच होगा द मिस के साथ, और 8 वुमेन्स टैग टीम मैच होने जा रहा है शाइना बेजलर नेटालिया वर्सेस वुमेन्स टैग टीम चैंपियन क्वीन ज़ेलिना वेगा कार्मेला वर्सेस नियोमी साशा बैंक्स वर्सेस लिव मॉर्गन रिया रिप्ली। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।